तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ख़ास बरसात के मौसम में ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने वाले परमानेंट प्लांट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि नर्सरीज में भी आजकल कॉमनली मिलने लगे हैं। तो ये पहला पौधा आप ये देख रहे हो, ये है टेक्सस सेज, और काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आप लोग को दिखाया भी कि अब ये नर्सरीज में मिलने लग गया है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो है बड़े लीव्स वाला जो गंधराज होता है, जो छोटे पत्ते वाले गंधराज हम लोग लगाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं लोगों को कि उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, पर आप ये देख सकते हो कि इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है और ये बाकी जो गंधराज होते हैं उनसे कंपैरिजन में काफ़ी लो मेंटेनेंस होता है, अच्छी फ्लावरिंग करता है। सिमिलरली येलो वाला ये जो है ये भी अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो ये अच्छे ऑप्शन रहते हैं। इसके अलावा प्लूमबैगो बहुत सस्ते मिलते हैं, 40 से 60 रुपए की रेंज में प्लूमबैगो का एक अच्छा सा पौधा आप ले सकते हो। वैसे प्लूमबैगो पूरे साल ही फ्लावरिंग करते हैं, पर बरसात के मौसम में इनमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, बस विंटर सीजन इनका थोड़ा डोरमेंसी का रहता है, बाकी पूरे साल ही इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। फिर नेक्स्ट प्लांट जो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करके देता है पूरे बारिश के मौसम, वैसे गर्मियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है, थोड़ी बहुत ही होती है, ये है शूटिंग स्टार और एरांथमम लैक्सीफ्लोरम भी इसको बोलते हैं, बट बारिश के मौसम में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसमें जो कलर्स होते हैं उनकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी हो जाती है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये। और इसके साथ आप जो है इस टाइम बेगम बहार को भी लगा सकते हैं। बेगम बहार 3 कलर्स में आते हैं, तो ये लाइट पर्पल वाला है, एक डार्क पर्पल भी आता है, वाइट में भी मैंने देखा है कि वाइट में भी जो है अब मिलने लग गए हैं, तो बहुत ही अच्छा ये भी प्लांट रहता है। फिर नेक्स्ट आप एलमेंडा वाइन लगा सकते हो, इस टाइम कटिंग से भी बहुत आसानी से इस टाइम ये लग जाएगा, और या फिर नर्सरी से बाय करना चाहते हो तो 50-60 की रेंज में एक मतलब पॉटेड प्लांट मिल जाता है, या फिर आप एलमेंडा का इस तरीके का प्लांट भी ले सकते हो। इसके अलावा आप जो है हाइब्रिड वैरायटी के जो है गुड़हल के पौधे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि गुड़हल जो हाइब्रिड वाले रहते हैं थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में अच्छे चलते हैं ये भी। इसके अलावा वाटर लिलीज़ अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किए हैं तो वाटर लिलीज़ को ऐड कर सकते हो, क्योंकि वाटर लिली बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है और जो है बारिश के मौसम में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो वाटर लिलीज़ अगर आपने नहीं लगाए या फिर कोई ऐसा शेड है जो आप लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। इसके अलावा आप स्थल कमल को इस टाइम में लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है ऑरेंज जैस्मिन, या फिर मधुकामिनी के नाम से भी जाना जाता है इस पौधे को, और गमले में लगाने वाले पौधे बहुत ही बढ़िया रहते हैं, अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, गमलों में लगाना चाहते हो, ज़मीन वाले में देर में फ्लावरिंग होती है पर इनमें बहुत अच्छी और जल्दी फ्लावरिंग होती है। इसके अलावा क्रोसैंड्रा को लगा सकते हो आप, क्रोसैंड्रा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, देसी वाले जो होते हैं, ये देसी वाला ही है। इसके अलावा मांडवला अगर आपको पसंद है, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं बट ये जो रेड और पिंक होते हैं थोड़े से ज़्यादा ये डेलिकेट होते हैं, बट अगर आप लो मेंटेनेंस चाहते हो तो वाइट वाला बहुत ही रीजनेबल 100 से 120 के बीच में मिल जाता है नर्सरीज में, कॉमन भी होता है तो ईजिली अवेलेबल होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, इसे आप लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है वो डक फ्लावर वाइन है, डक फ्लावर वाइन भी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलने लगती है नर्सरीज में, मैंने भी कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, और ये भी काफ़ी अच्छी परमानेंट प्लांट होता है, तो जो लोगों को वाइन्स पसंद है वो डक वाइन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लावर होता है और थोड़े से महंगे ज़रूर मिलते हैं डक वाइन के जो प्लांट्स होते हैं, 200 रुपये तक का मिलता है ये पौधा, बट काफ़ी अच्छा रहता है और हार्डी भी रहता है, फुल सन में चलता है। फिर नेक्स्ट जो प्लांट है इस लिस्ट का वो है ब्लीडिंग हार्ट, बहुत ही कॉमन प्लांट है, 2 शेड्स में आता है, एक तो ये पिंक और रेड फ्लावर्स होते हैं इसमें और वाइट रेड भी आते हैं, तो कोई भी जो भी आपको ईजिली मिल पाए वो आप लगा सकते हो, और ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते, 50-60 रुपए का एक अच्छा सा पौधा ब्लीडिंग हार्ट का आपको मिल जाता है, जो कि बारिश के दिनों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा है पेंटास, पेंटास बहुत ही बढ़िया इसकी फ्लावरिंग होती रहती है, और देसी वाला तो हाइब्रिड वाले में कलर ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं, बट देसी वाले जो हैं काफ़ी दिनों तक आपके साथ बने रहते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। इसके अलावा लोरोपेटलम चाइनीज़ फ्रिंज भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है, ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, बट जैसे जैसे मौसम अब अच्छा होता जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा, बारिश के दिन आएंगे, तो जून जुलाई जुलाई में मतलब आपको बहुत ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग देखने मिलती है,
और ये भी परमानेंट प्लांट है, बहुत लो मेंटेनेंस है। मेरे पास ये प्लांट अराउंड 1.5 ईयर से है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ये करता रहता है। और बेस्ट बात होती है कि जो है पूरे फ्लावर्स एक साथ ब्लूम करते हैं। इसके अलावा जो है ये टिकोमा वाइन है, और टिकोमा वाइन ये वाइट वाला है और ये भी बहुत ही कॉमनली आजकल नर्सरीज में मिल रहा है, तो इन्हें लगा सकते हैं आप। इसके अलावा चांदनी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। चांदनी में भी बहुत तेज़ गर्मी होने पे फ्लावरिंग कम हो गई थी, बट जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है तो चांदनी में भी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई फिर से। इसके अलावा रात रानी नहीं लगाया तो ज़रूर लगा लें, या फिर लगा लिया वाइट वाला तो येलो वाले को भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि येलो वाले में वाइट वाले से ज़्यादा फ्लावरिंग होती रही है। इवन विंटर में इसमें जब बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही थी तब भी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी। तो येलो वाला अगर आपको मिल पाए तो आप लगा सकते हो, और ये भी ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। इसके अलावा पिंक टिकोमा बहुत ज़्यादा इस टाइम मिलने लगते हैं जैसे जैसे बारिश के दिन करीब आते हैं, क्योंकि बारिश में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और बाकी टिकोमा जो हैं गर्मियों में जब तेज़ गर्मी होती तब भी फ्लावरिंग करते हैं, बट इसमें फ्लावरिंग बहुत कम हो जाती है, कहीं कहीं तो बिल्कुल देखने में नहीं मिलती है, बट बारिश के दिनों में बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही रीज़नेबल ये भी मिलते हैं, 50 से 60 रुपये के बीच में। ये पिंक टिकोमा या पिंक ट्रम्पेट भी बोलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये, तो इन्हें भी आप कंसिडर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है आइजोरा। आइजोरा बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है बारिश के मौसम में, गर्मियों से भी ज़्यादा होती है, और ये प्लांट भी ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, तो जो भी शेड्स आपके पास नहीं है समय आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा रेन लिलीज नहीं लगाए हैं या लगा लिए तो जो शेड है वो आप ऐड कर सकते हो, और रेन लिलीज बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप लोग को बताया है कि रेन लिलीज में सीड भी बनते हैं और राइजोम्स भी जो बल्ब्स होते हैं बहुत जल्दी से वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसके अलावा आप इस समय जैस्मिन, मोगरा जैस्मिन को आप ऐड कर सकते हो, और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है। अब इसमें भी कई सारी आजकल वेराइटीज़ आ गई हैं, जो है डबल पेटल में आता है, सिंगल पेटल में, स्टार वाले हैं, तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जो आपके पास हो या जो नहीं हो वो आप ऐड कर सकते हो इस समय। फिर नेक्स्ट प्लांट है टिशू कल्चर वाले लैंटानास। टिशू कल्चर वाले लैंटाना मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देसी में आपको कलर ऑप्शंस उतने नहीं मिलते हैं, बट टिशू कल्चर वाले में आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, तो अगर आपने लैंटाना ऐड नहीं किया या फिर ऐड कर रखा है तो जो भी शेड्स आपके पास नहीं है इस टाइम टिशू कल्चर वाले प्लांट्स आजकल नर्सरीज में मिल रहे हैं, तो टिशू कल्चर वाले प्लांट्स आप लगा के और अच्छे अच्छे कलर्स लैंटाना के अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फिर बारिश के मौसम के पौधों की बात हो तो आप प्राइड ऑफ इंडिया को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। प्राइड ऑफ इंडिया में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है, और आजकल तो कई सारी वैरायटीज़ में भी मिलने लग गए हैं, ड्वार्फ वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी, बहुत सारे शेड्स भी मिल रहे हैं, और इसे बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते। बहुत ही मस्ट हैव प्लांट होता है, बहुत लो मेंटेनेंस और सस्ता मिलने वाला ही पौधा होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।